और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोबेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पा लेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामशाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव छुई खदान अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला मुख्य धारा से सदियों से कटा हुआ है। यहां आने जाने के लिए दूर दूर तक पगडंदी तक नजर नहीं आती। यहां रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के सदस्यों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। ये दुनिया भी अजीब है। एक ओर जब पूरा विश्व महामारी की चपेट से जूझ रहा है, वहीं एक गांव है जहां के लोग सदियों से होम क्वारंटाइन रहने मजबूर हैं। यहां ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता। वहां पैदल भी बड़ी मशक्कत से जाया जाता है। यहां रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी पीने की है। जिला राजनांदगांव के छुई खदान अंतर्गत आने वाले इस छोटे से ग्राम गर्रा में सिर्फ भगवान का दिया हुआ नदी ही है, और यही नदी और यही यहां की जीवन दायिनी है। चाहे खाना हो या पीना, नहाना हो या अन्य कोई उपयोग, नदी से ही गुजर बसर होता है। ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच, जिला सदस्य, जनपद सदस्य, सचिव, रोजगार सहायक को राशन कार्ड, नल जल, बिजली पानी, रोड और आवास जैसे कई बातों को लेकर क्षेत्र के रहवासियों द्वारा गुहार लगाई गई, परंतु अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तब यही उम्मीदवार घर घर जाकर समस्याओं को दूर करने वादा करते नजर आते हैं। हमन ला राशन कार्ड चाहिए, पिए बर पानी नहीं मिले, हमन ला गंदा है, गंदा पानी पीथन, हमन बोरिंग चाहिए। आपके नाम का है? आपके नाम सहेली भाई। सहेली भाई, हाँ। आपके नाम का है? सुंदरी भाई। सुंदरी भाई, पानी पीथन हमन, गंदा पानी पीथन, हम बोर चाहिए हमन ला, हाँ। रोड चाहिए, बिजली चाहिए हमन ला। ऐसे बिजली तो हरे था, हाँ, बिजली जो है, हाँ। बिजली चाहिए, लाइन वाले, लाइन वाले, लाइन वाले, हाँ, लाइन वाले चाहिए, बोरिंग चाहिए हमन ला, बोरिंग चाहिए। गंदा पानी पीथन देखना ना, कहां पानी पीथो? नरवा के, नरवा के थे। अच्छा, वो जीरे कोड़े ता बोले वो गंदे पानी एकदम गंदा, कचरा पूरा तेना लाला के पीथन, बेंद्रा मुतान ला पीथन, हां दूसरे का तुरंत छीटन, तुरंत बेंद्रा आके पी देते, गरुआ पीथे तेन गंदा हो जाते ला, वो लखे रहना तुम्ही मन लाख पीथो, हां लाके पीथन। बहुत समस्या है, बहुत समस्या, हमला सब चीज का समस्या, समस्या हवाई के, राशन भी नहीं मिले, राशन भी नहीं मिला, अभी हम राशन खगला चावल भी नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, बस माधा सुतीम नाम जुड़े तहां बस मने, नाम जुड़े है माधा सुतीम तहां बस तहां कुछ वोट हटाल। और जब उम्मीदवार जीत जाता है तो गांव को मुड़कर उम्मीदवार नहीं देखता। शासन को भी कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, मगर अब तक इस क्षेत्र में किसी ने कोई सुध नहीं ली। वास्तव में यह गांव गुलामी के अंधकारों में डूबा हुआ है, इसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 50 सदस्य झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं। अभी समस्या और भी भयावह हो गई है क्योंकि पूरे क्षेत्र में कोरोना का कहर है और यहां खाने पीने के बांधे हैं। सरकार सहयोग करने की बात तो कर रहा है, मगर सड़क नहीं होने की जैसे इन लोगों तक कोई शासकीय सहयोग नहीं पहुंच रहा। अब समस्या इतनी विकराल हो गई है कि लोगों के प्राण पखेरु तक उड़ने के समय आ गया है। जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में यहां के लोग भगवान के रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। ग्राम बांधा टोला, ग्राम पंचायत गर्रा के जो जहां पे बैगा लोग रहते हैं, आइए उससे चर्चा करते हैं कि यहां पे क्या समस्या है। आपका नाम? सिरा। क्या यहाँ क्या क्या समस्या है? रोड की समस्या है, बिजली की भी समस्या है, पटक भी समस्या है, सब तकलीफ है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, बोरिंग नदी के पानी की है। अभी क्या चीज के पानी पीते हो? नदिया जीरिया कोड़े, उबाल उबाल पीते हो? कैसी पीते हो? उबाल हुआ ऐसी बांधक पानी की, मतलब पूरा गंदा पानी की? गंदा पानी। और कितने परिवार हैं यहाँ पे? 50 लोग हैं, 50 लोग पूरे गंदे पानी ही पीते हैं। हाँ, गंदा पानी पीते हैं। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रामशाजर।